भोज किया बंदर का, उसके बाद में कुछ वहाँ तहसील में काम था, वहाँ तो आप जानते ही हैं, यहाँ जाओ वहाँ जाओ वहाँ जाओ, घंटे दो घंटे परेशान भी हुए इस प्रचंड गर्मी में। आज वही 28 जून है आज, तो सुबह तो हमने नोट करवाया था, इसमें बताया था कि भोज करके आए हैं, तो तहसील से लौट रहे थे तो आम वाले चिल्लाने लगे सब जान पहचान के, बाबा जी आम, भाई जरा भी आम में दब गया, जरा सा दाग आ गया, तो वो पानी के रेट में मिलता है और वहाँ उसे बंदरों का भला हो जाता है, बहुत से गरीब बच्चे आते हैं उनका भला हो जाता है। कोशिश ये करेंगे कि आज शाम को जो आम के केवल आम से मेरा भोज होगा बंदरों का, जो रोज़ वाले भोज में मैं जाता हूँ, यहाँ रायबरेली में दो तीन जगहों पर जाना होता है, तो आम मालूम आज आम खाली आम से भोज होगा। तो वहाँ से लौट रहे थे, एक जगह जान पहचान का था, कहें बाबा जी करीब करीब 30-40 किलो आम है, ले लीजिए और सस्ते में मिल जाएगा। तो हमको ये खालसा स्वीट वाले जो हैं सिविल लाइन चौराहे पर, खालसा स्वीट के नरेंद्र सिंह, बहुत भगत आदमी है, उसने पैसे दे दिए, ज़्यादा दे रहा था। हमने कहा भैया अब हमारे अकेले बस का नहीं है, थोड़ा थोड़ा दीजिए, अभी तो सीजन है आमों का। खैर ले लिया और उसने हमको जो पैसे दिए तो उस पैसे में सब आम आम मिल गया, तो हमको हंसी आ गई। हमने कहा देखिए जब राजा इज्जत करता है, जब राजा इज्जत करेगा तो प्रजा भी इज्जत करेगी, तो हम यही सोच रहे हैं कि हमारे यहाँ के जो इस समय वर्तमान जिलाधिकारी मौजूद हैं यहाँ पर, डॉक्टर चरणजीत सिंह बख्शी साहब और उनकी धर्मपत्नी, उन लोगों का कितना, उन लोगों ने हमारा मान सम्मान किया। अब सिख समाज में मैं ये देख रहा हूँ कि अब हमारा सम्मान बढ़ गया, तो हम उनके कितने आभारी होंगे, कितने उनके हम ऋणी होंगे। और धीरे से खोलना आवाज़ ना, तो ऋणी उनके हो गए। हम यही सोचते हैं कि उनका ऋण कैसे उतारेंगे, यही हम हमारी बड़ी इच्छा है कि भाई हमको वो अपना परिवार का सदस्य मान लें और रायबरेली में जिलाधिकारी महोदय पता लगा लें, अगर रायबरेली में नहीं उत्तर प्रदेश में अगर मेरा जोड़ा कोई नहीं है तो हमको अपनी शरण में ले लें। हम चाहते हैं कि हमारा उनका संपर्क बना रहे, हम उनकी सेवा करें, हम उनको भगवान मानते हैं, देवता मानते हैं, वो देवता हैं, जिसका इतना सरल स्वभाव होगा, तो उनके सम्मान से हमको खालसा स्वीट वाले, हम नरेंद्र सिंह से कहा, हमने कहा अरे भाई क्या आपके ऊपर भी जिलाधिकारी साहब का प्रभाव पड़ा, तो हंसने लगे, कहें नहीं नहीं बाबा जी जब जिलाधिकारी ने आपको जन्मदिन पर साल ओढ़ाया माला पहनाया, तो जब जो जिले का भगवान है उसने सम्मान दिया तो हम लोग तो मामूली आदमी, हमने कहा नहीं था मामूली आदमी नहीं, आप लोग महान हैं। अभी तक हमारा सिंध समाज काफ़ी कर रहा था, अब सिख समाज जो है ये भी इस ओर आगे बढ़ रहा है, और इसमें ईमानदारी तो खैर है, सिख समाज में जो ईमानदारी के रिकॉर्ड हैं वो कुछ अजूबे हैं। जैसे आपके एक सपा में हैं, अच्छा सा नाम है उनका, अवतार सिंह मोंगा, और ये व्यापारी नेता बग्गा सिंह, आखिर वो व्यापार मंडल कितने उच्च शिखर पर क्यों पहुंच गए, क्योंकि त्याग करने वाला आदमी है, लड़ाई लड़ने वाला आदमी है, ऐसा यानी अपना जेब भी खाली करता है, समाज की सेवा भी करता है, तो आज बग्गा जी बग्गा साहब हो गए। तो अवतार सिंह ये क्या नाम मोंगा कोई छबड़ा साहब हैं, वो भी बड़े अच्छे समाज से भी हैं, तो हम समझते हैं कि आने वाला वक्त जो है, जो हमारी रतन टेंट हाउस वाले जो हैं उनसे हमारी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा महाराज इंदिरा जी के उसमें थोड़ी सिख समाज की छवि गिर गई थी, लेकिन अब धीरे धीरे एक वक्त था सरदार लोगों का, एक वक्त फिर आवेगा, हमने कहा निश्चित आवेगा, जहाँ कहिए मैं लिख के दे दूँ निश्चित आवेगा, क्योंकि देखिए दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ है ईमानदारी और सरलता, सरलता, आप सरल बन करके आप हमसे जो भी मांगेंगे हम आपको दे देंगे, लेकिन सरल तो आप बने,
तो हमने ये देखा कि हमको बड़ी हंसी आई, अब आज हमारे ये जिलाधिकारी जी का इतना बढ़िया, देखिए धर्मात्मा तो हैं, उनका इतना बढ़िया पौड़ा है कि मेरे मेरे घर के आए, उनके उनके चरण पड़ गए मेरे घर में, तो समझिए फल ही फल। उधर दिखाइए सब्जी ही सब्जी, हटवा के देखिए सब्जियों के ढेर लगा। अब ये सारी सब्जियां गाय के लिए हैं, ये पूड़ियां लगी हैं सब गाय के लिए, ये गाय के लिए लगी, ये पूड़ियां देख रहे हैं, ये सब ढेर का ढेर, भूरी का भूरी, रोज इतना इतना खर्चा हो रहा है। ये तमाम नागा मिल के अभी आम उतार के ला रहे हैं, उसको देखिएगा। हम तो यही चाह रहे हैं कि हम उन्हीं के शरण में रहें, और थोड़ी तंत्र क्रिया तो हमको खैर जितनी है वो ठोस है। आखिर क्या कारण कि पंजाब के पत्रिका में डेमोक्रेटिक वर्ल्ड पंजाब से जालंधर से निकलती है पत्रिका, उसमें हम छपे क्यों छपे? क्योंकि जो कहा वो हो गया, तो पत्रकार बड़ा प्रभावित हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि वो तो अपनी जगह है, हम बाबा हैं तो अपनी जगह है, सेवा कर रहे हैं अपनी जगह है, हमको तो भगवान ने लाइसेंस दे रखा है। लेकिन हमारे जिलाधिकारी महोदय, हम तो यही तो भगवान से रात दिन यही प्रार्थना करेंगे, अपनी तांत्रिक क्रिया करेंगे कि रिटायरमेंट के बाद इनको जनता बैठने न दे, इनको कोई पद मिलना चाहिए, एक बहुत बड़ा चमत्कार हो जाएगा। राजा जब सरल हो तो वही तो जनता का दिल जीत लेता है। डॉक्टर चरणजीत सिंह बख्शी साहब आज पूरी रायबरेली का दिल जीत लिया है, नाम रोशन किया रायबरेली का। ये लाए हैं एक बोरी, वह है देखिए उठाए नहीं उठ रही, ये देखिए वह मेरा बहुत माल हो गया है, ये देखिए अब इसका वेट कम से कम 35 kg है, 35 kg ये मान लीजिए, 35 kg ये मान लीजिए। अब ये सब वही नागा जो आते हैं, अब इसमें बताइए जरे से तो दाग है, अब ये दाग हट जाएगा, बाकी तो माल फ्रेश है एकदम टनाटन। तो बंदर जिनका पेट जल रहा है, भूखे मर रहे हैं, उनके लिए तो गरीब बच्चे हैं, उनको कहाँ धराई सब महंगी चीज़ें, इसे नागा कहते हैं। जरा सा इतना चाकू से हट जाएगा, अब बढ़िया माल है एकदम टनाटन, ये पूरा पूरा दिल्ली में पाए। इसको निकाले, अभी सारा आम जो है ये हमको 40 rupees में मिल गया, वो बोरी में फ्री मिला, जो उठाए नहीं उठ रहा है। अब ये देखिए इतना बड़ा आम है, दब गया है, रिजेक्ट में आ गया, इसमें आम में क्या खराब, आम में आ गया, ये सब छोटे छोटे हैं, जैसे बंदरों का कितना पेट भर यानी भरेगा, कितना खाएंगे। आज अगर शाम को हमारे कैमरा मैन अगर शाम को यहाँ रहेंगे तो हम इनको स्कूटर से ले जाएंगे, चूँकि साइकिल से हमारे बस का है नहीं, साइकिल से हम ले ही नहीं जा पाएंगे, सब पूरा गलेगा बहेगा, स्कूटर से ले जाके खिलाएंगे और इसकी वीडियो फिल्म बना लेंगे कि आम के द्वारा घोल, ये खालसा स्वीट जो है उनकी ओर से, और एक बार का भोज के लिए ये प्रशांत जी ने जो S7 चैनल के डायरेक्टर हैं उन्होंने हमारी मदद की थी, इसके पहले वो जाके आम का मतलब हर प्रोग्राम का हम फिल्म तो नहीं बना सकते हैं, हर प्रोग्राम का वीडियो नहीं बना सकते हैं, कहाँ हमारे पास इसका साधन नहीं है, लेकिन कभी कभी बनाते हैं तो उन पुरानी बातों को मैं ले आता हूँ। तो S7 के डायरेक्टर प्रशांत द्विवेदी जी ने भी काफ़ी हमको सामग्री दिया, और वहाँ भंवरेश्वर में जब हम DM साहब के हाथ से छुआ के गए थे उस समय उन्होंने बड़ी मदद की थी, काफ़ी सामान देते हैं वो, ये हमारा भोज होता है, और इसीलिए डायरेक्ट बंदर भोज में बड़े रहस्य बड़े चमत्कार हैं। एक बंदर को अगर आपने खा लिया, एक बंदर ने एक आम खा लिया, तो समझिए बजरंग बली के डायरेक्ट आपने सेवा आपने आपकी हो गई, 100 बार सुंदरकांड का पाठ हो गया आपका, बड़े चमत्कार हैं। तो ये डायरेक्टर हैं, अभी उनकी उम्र देखिए, प्रशांत द्विवेदी, और आज वह एक लोकल चैनल के वो डायरेक्टर हैं। तो
ये बंदर भोज का चमत्कार है, बाल भोज का चमत्कार है। तो अब ये हम चाह रहे हैं, अब ये बिल्कुल एकदम कड़ा आम है, देखिए ऐसे नहीं उंगली से दाब रहा हूँ, आम नहीं दब रहा, जरा से नीचे दाग हो गया, कट गया, रिजेक्ट में आ गया। अब इसकी सब छटाई करेंगे, फिर भरेंगे, फिर हाथ धोएंगे, फिर बंदरों के बीच में जाएंगे तो मेरी वो दुर्गत होगी। वो आम खा रहे हैं हमारे कपड़े, उसी आम के हाथ से मेरे कपड़े पकड़ते हैं सब, आज आज तो हमारी बड़ी छीछा लोग लेदर हो जाएगी आम के भोज में। तो हमारा तो यही जनता से यही कहना है और हमारी डीएम साहब से हाथ जोड़ के विनती है कि हमको कभी भूलेंगे नहीं, और अगर हमको नहीं भूलेंगे तो हम भी अपने दम खम से हम साहब के जीवन में चमत्कार ही चमत्कार दिखाएंगे कि साहब अगर हमारे तंत्र मंत्र से आपके जीवन, क्यों आपका स्वभाव है, आपका नेचर वैसा, अगर हमारी वजह से आपके जीवन में कोई भारी बदलाव और भारी तरक्की न हुई तो आप हमको भूल जाइएगा, हमको हटा दीजिएगा, क्यों आप उसके पात्र हैं, आप उसके पात्र हैं, आपके अंदर वो बीज है, आपके अंदर वो जमीन है, केवल आपको बढ़िया बीज चाहिए, देश तो ही है आप। तो हमारी वही विनती है कि भाई उनकी कृपा बनी रहे और हम जिस लायक हैं, भगवान न करे कि उनसे हमें कोई चाह हो, अगर उनकी कोई भी चाह होगी कुछ भी, साधु जी अपना हम आपके घर में रहना चाहेंगे, अगर हम समझिए कि हम हमारी असलियत में फ़र्क होगा, हम कहेंगे हुजूर हम आप हमारे घर में नहीं है, मेरे सर पर भी आप रहना चाहें तो हम आपके सामने ये झुके रहें, पूरा परिवार मेरा प्रभावित हो गया, कितनी दुआएं, कितना आशीर्वाद उनके यानी पास में उनके गया। इसी टाइप से देखिए उस साइड के लोग ही हैं, जैसे अमरजीत सेठ, जो ये आपके गुलशन कौन है, सोनू फोटो इंदिरा नगर, उनके पिताजी देखिए, सोनू को देखिए, गुलशन को देखिए, बड़े सब धर्मात्मा हैं। इधर के लोगों से तो हमारी बड़ी दोस्ती हो जाती है और हमको बड़ा अच्छा सा लगता है, तो हम तो जिलाधिकारी महोदय के और उनकी पत्नी के इतने आभारी हैं, मेरे पास शब्द नहीं है कि उनका उपकार मैं कैसे भूलूँ। भूलना तो छोड़िए, मैं इसीलिए सोच रहा हूँ वो कुछ भी आदेश करें, वो कुछ भी कहें कि साहब आपको ये करना है तो हुजूर ये करना है, घर दे दीजिए तो ले जाइए, और बाबा के पास है क्या, बाबा की जेब में तो आशीर्वाद ही आशीर्वाद है, बाबा तो झोली पकड़ा देगा कि हुजूर आप ले जाए। अरे भगवान के दया से कोई ना कमी है और ना कभी कमी उनको होगी, बस यही विनती है कि हमको वो अपने फैमिली मेंबर मान लें और सेवक भी माने, मैं उनकी सेवा करूँगा। जब मैंने पशुओं की सेवा किया है, जानवरों की सेवा किया है, तो उसे एक महान है, महान है। वो डीएम साहब क्या है सही बात को खुद नहीं जानते, वो खुद नहीं जानते, लेकिन हम थोड़ा बहुत हमको आभास होता है, हम बहुत बड़े भविष्यवक्ता तो नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत हमको जानकारी है, हम समझते हैं कि बिल्कुल वो देवता है और पूजने योग्य है, महान है, महान व्यक्तित्व है, रायबरेली उनको सदा याद करेगी। धन्यवाद।